हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे पास आया है ओप्पो का A17 एंड्रॉयड 12 जो FRP लॉक लग चुका है। तो हमारे पास ये आया है अनलॉक होने के लिए। तो सबसे पहले इसको आपने हार्ड रिसेट किया, हार्ड रिसेट करने बाद इसमें FRP बता रहा है, यानी गूगल अकाउंट बता रहा है। तो इसको कैसे बाईपास करते हैं, ईजी सा तरीका बताते हैं, वीडियो पूरा फॉलो करना। सबसे पहले एक वाईफाई को कनेक्ट कर लेते हैं। हमने एक वाईफाई को कनेक्ट कर लिया, देखिए कोई भी वाईफाई को कनेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद में आपको मैं बताता हूँ इसका लॉक का एक इजी सा तरीका। इसको नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट नहीं करना, आपको इस डॉट पर क्लिक कर देना है। डॉट पर क्लिक करते ही सबसे ऊपर आएगा वाईफाई QR, ये वाला आएगा, इस पर नियर बाई पर क्लिक कर देना है नीचे। इसके बाद में टर्न ऑन पर क्लिक कर देना है। ये नीचे आपको ऑप्शन दिया हुआ है टर्न ऑन, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। सबसे नीचे वापस ऑप्शन आएगा सी हेल्प, ये वाला, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसको क्लिक करते ही इस प्रकार से एक और ऑप्शन आ जाएगा, ऊपर 3 डॉट दिए हुए हैं सबसे ऊपर, यहाँ पर क्लिक कर देना है। शेयर आर्टिकल पर क्लिक कर देना है। फिर आपको मैसेज पर जाना है, यहाँ पे मैसेज पर क्लिक कर देना है। न्यू मैसेज पर क्लिक कर देना है। फिर आपको डायल करना है 112 112 और इसको ओके कर देना है। यहाँ पर आपको लिखना है www.youtube.com, ये कट कर देना है। और इस पर ये वाला URL लिख देना है यूट्यूब का, और इसको सेंड पर क्लिक कर देना है। सेंड पर क्लिक करते ही वापस इस आइकन पर क्लिक कर देना है। तो हमारा यूट्यूब ये अपडेट बताएगा। तो अभी हमें क्या करना है, इस बार अपडेट बता रहे इस फ़ोन को, अभी एक बार पावर ऑफ कर लेना है। पावर ऑफ करके इसको हार्ड रिसेट करना है। ये देखिए, पावर ऑफ के लिए वॉल्यूम अप की और पावर की दोनों को एक साथ में प्रेस करना है, फिर पावर ऑफ पर क्लिक कर देना है। हमारा फोन पावर ऑफ हो जाएगा, यानी स्विच ऑफ हो जाएगा। अभी इसको हार्ड रिसेट करना है। हार्ड रिसेट के लिए वॉल्यूम डाउन और पावर की दोनों को एक साथ प्रेस करके रखना है इस प्रकार से। जैसे ही ओप्पो का लोगो आए, वॉल्यूम की दबा के रखना है, पावर को छोड़ देना है। पावर की को छोड़ देना है, वॉल्यूम डाउन दबा के रखना है। जैसे ही वॉल्यूम डाउन को दबा के रखोगे, इस प्रकार से आपका रिकवरी का ऑप्शन आ जाएगा। सबसे पहले अभी नीचे जाइए, इंग्लिश, यहाँ पर आपको इंग्लिश पर सेलेक्ट कर देना है। फिर ऊपर वाले आइकन फॉर्मेट डाटा पर क्लिक कर देना है। कोई भी आपको एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, हर मोबाइल में अलग आएगा, इसके बाद में फॉर्मेट कर देना है। अभी हमारा मोबाइल पूरा फॉर्मेट हो जाएगा। फॉर्मेट होने के बाद में मैं आपको वापस इसका प्रोसेस बताऊंगा अनलॉक करने का, एकदम FRP बाईपास का जो इजी से तरीका है, एकदम इजी तरीका है। इसमें आपको कुछ भी ज़्यादा मेथड ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल सा मेथड है। अभी हमारा मोबाइल हार्ड रिसेट हो चुका है। अभी एक बार फिर से आपको वाईफाई कनेक्ट कर लेना है। कंट्री सेलेक्ट कर लेते हैं, कंट्री सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद में कंटिन्यू करना है। फिर आपको यहाँ पर सब टिक मार्क कर देना है। फिर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अभी हमें वापस एक वाईफाई कनेक्शन उसको सेलेक्ट कर लेना। ये देखिए, स्किप पर क्लिक करते हैं, अभी भी इसका FRP लॉक है। अभी हम एक वाईफाई को कनेक्ट कर लेते हैं। वाईफाई को कनेक्ट कर लेना है, कोई भी वाईफाई। वाईफाई को कनेक्ट कर लिया है, ओके किया। अभी वापस वो आई बटन पर क्लिक कर देना है, जो वाईफाई कनेक्ट है उसके सामने वाला आई बटन, यहाँ पर क्लिक किया। फिर वाईफाई QR पर क्लिक कर देना है। नीचे नियर बाई पर वापस क्लिक कर देना है। नीचे नियर बाई पर क्लिक कर देना है। इसको क्लिक करते ही एक ऑप्शन आएगा नीचे टर्न ऑन, टर्न ऑन पर क्लिक कर देना है। सबसे नीचे वाले ऑप्शन पर वापस क्लिक कर देना है। अभी सबसे ऊपर दिया हुआ है 3 डॉट, सबसे ऊपर स्क्रीन पर देख सकते हो 3 डॉट, यहाँ पर क्लिक कर देना है। शेयर आर्टिकल पर क्लिक कर देना है। फिर इस प्रकार से ओपन होगा। यहाँ पर आपको मैसेज पर क्लिक कर देना है और न्यू मैसेज पर क्लिक कर देना है वापस। इसके बाद में 112 डायल कर देना है। इसको सेंड टू पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर एक URL लिखना है, इसको कट करके www.youtube.com, ये वाला URL आपको वापस लिख देना है। हार्ड रिसेट के बाद में यहाँ तक आपको वापस प्रोसेस सेम ही करनी है, जो हार्ड रिसेट किया उसके बाद में सेम प्रोसेस होगी। उसके बाद में मैं आपको बताऊँगा इसको कैसे अनलॉक करते हैं, ये सेम वाली प्रोसेस होगी। अभी YouTube पर क्लिक करेंगे तो हमारा YouTube ओपन हो जाएगा। इससे पहले नहीं हो रहा था, हार्ड रिसेट करने के बाद ये ओपन होगा, उससे पहले नहीं ओपन होगा। YouTube पर क्लिक किया, YouTube ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अभी आपको क्रोम ओपन हो जाएगा, क्रोम पर क्लिक कर देना है। क्रोम ओपन हो गया हमारा, गूगल क्रोम। इसमें विदाउट अकाउंट आपको ओपन कर देना है। ऊपर सबसे वाले पे सर्च बार पर क्लिक कर देना है। VN रोम बाईपास FRP बाईपास, जो भी आप वेबसाइट है FRP की, वहाँ पर जा सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारी वेबसाइट हैं। इसके बाद में आपको यहाँ पर जाना है सेकंड वाले ऑप्शन पे,
और आपको क्लिक कर देना है सेटिंग पे। ये देखिए सेटिंग पर क्लिक कर देना है। सेटिंग पर क्लिक करते ही मोबाइल की सेटिंग ओपन हो जाएगी। इस प्रकार से मोबाइल की सेटिंग ओपन हो गई। नीचे जाना है अबाउट डिवाइस पे। अबाउट डिवाइस पे जाकर आपको देखना है ओप्पो A17 और एंड्रॉयड 12 का वर्जन है। अभी हमें क्या करना है, आपको जाना है नोटिफिकेशन नहीं होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन पर जाना है। इस पर क्लिक करते होम स्क्रीन लेआउट सेकेंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते ही मोबाइल इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। अभी हमें क्या करना है, अभी जाना है हमें एक ऐप दी हुई होगी स्क्रीन पर क्लोन फोन। स्क्रीन पर एक ऐप है क्लोन फोन, उसको आपको ओपन कर देना है। क्लोन फोन को ओपन करते ही कुछ परमिशन मांगेगा, उन परमिशन को एग्री कर देना है। एग्री कर दिया है, फिर एक और परमिशन है सेटिंग, सेटिंग पर जाना है, इसको अलाउ कर देना है। बैक की प्रेस कर देना है, वापस सेटिंग पर जाना है, इसको भी अलाउ कर देना है। जितनी भी परमिशन मांगे अलाउ कर देना है। दिस इज़ न्यू डिवाइस पर क्लिक कर देना है और अदर पर क्लिक कर देना है। अभी हमें एक दूसरा हैंडसेट लेना है जिसमें प्ले स्टोर के द्वारा क्लोन फोन ऐप इंस्टॉल हो, कोई भी दूसरा हैंडसेट उसमें ये एप्लीकेशन वापस इंस्टॉल हो। तो अभी हमें इस एप्लीकेशन को करना है, इसमें ओल्ड फ़ोन लिखना है आपको। इस फ़ोन को ओप्पो के फ़ोन से कनेक्ट कर देना है इस ऐप के द्वारा। दोनों फ़ोन में क्लोन ऐप होनी चाहिए तो कनेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से कनेक्ट हो गई है। कनेक्ट करने के बाद में हम पुराने फ़ोन से इस ओप्पो के फ़ोन में जो गूगल लॉक लग चुका है उसमें से कोई भी एक ऐप आपको ट्रांसफ़र कर देना है। जितने भी डाटा है उनको सेलेक्ट नहीं करना है, उनको वापस डीसेलेक्ट कर देना है। ये देखिए जितने भी हैं उनको सेलेक्ट नहीं करना है, उनको सेलेक्ट हटा देना है। खाली एक नॉर्मल सी ऐप है, कोई भी ऐप ले सकते हो आप, उस ऐप को इस फ़ोन में ट्रांसफ़र कर देना है। ये देखिए सब ऐप हटा देने, यहाँ पर क्लिक कर देना। हम एक नॉर्मल ऐप ले लेते हैं, एयरटेल का ऐप है, ऊपर माई एयरटेल है सबसे ऊपर, उसको ही ले लेते हैं। आप कोई भी ऐप ले सकते हो। फिर इसको ओके पर क्लिक करते हैं और स्टार्ट माइग्रेशन पर क्लिक करते हैं। ये वाली ऐप पुरानी फ़ोन से सीधी नए जो आपका फ़ोन लग लुक जाए उसमें डायरेक्ट कॉपी हो जाएगी। इस पर डन पर क्लिक कर देना है। अभी ये देखिए दूसरा वाला फ़ोन जो लॉक लग चुका है उसमें डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है, डाटा ट्रांसफरिंग हो जाएगा। नॉर्मल से एक ऐप लेनी है, कोई भी साइज छोटी साइज की ले सकते हो, बाकी आपको कुछ भी ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं। ये हमारी ऐप इसमें ट्रांसफ़र हो गई है। तो अभी हमें डन पर क्लिक कर देना है, फिर बटन्स पर क्लिक कर देना है, कोई भी ले सकते हो, नेक्स्ट, फिर स्किप पर क्लिक कर देना है, फिर डन पर क्लिक कर देना है, फिर वापस एक स्किप ऑप्शन आ जाएगा उस पर क्लिक कर देना है, फिर यहाँ पर क्लिक कर देना है गेट स्टार्टेड पर। पुराने फ़ोन को हटा देना है, पुराने फ़ोन का कोई काम नहीं है अभी। ये जो ओप्पो है A17 ये अभी अनलॉक हो चुका है। देखिए गेट स्टार्टेड पर क्लिक करते ही फ़ोन हमारा ओपन हो जाएगा। तो एंड्रॉयड 12 है, इस प्रकार से FRP बाईपास हो जाएगा एकदम इजी तरीके से। मैंने पूरा मेथड आपको बता दिया है इस वीडियो के द्वारा। वीडियो कैसा लगा लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना नेक्स्ट अपडेट के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।